दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या बच्चों को डायपर पहनाना चाहिए, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों शुरू के पहले से तीसरे महीने तक जो बच्चे होते हैं, जो नए बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या उन्हें डायपर पहनाना सही है या नहीं है, क्या उन्हें डायपर हमें पहनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये यशिका भानु का चैनल है जहाँ पे हम लोग इस तरीके के नॉलेज वाले वीडियो डालते रहते हैं, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको इंटरटेनमेंट के लिए हमारी यशिका के वीडियो भी दिखते रहेंगे जो कि बहुत छोटी बच्ची है। तो दोस्तों मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो हम बात करते हैं कि क्या आपको डायपर पहनाना चाहिए या नहीं चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो शुरुआत में उसको दोस्तों एक महीने से दो महीने के अंदर तक आप कोई भी डायपर ना पहनाएं। ये मेरी आपको पर्सनल राय है, क्योंकि अगर आप उसको डायपर पहनाते हो तो आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, बच्चों का जो शरीर होता है यानी उनकी जो बॉडी होती है बहुत ही ज़्यादा नाजुक होती है। शुरुआत में वो एकदम ही नरम टाइप के होते हैं, एकदम नाजुक होते हैं, और अगर आप उन्हें कोई भी डायपर पहनाते हो तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि थोड़ा सा रिस्क हो, क्योंकि डायपर पहनाने से उनकी बॉडी कहीं ना कहीं कसेगी, है ना। आप कोई भी डायपर ले आओ, थोड़ा थोड़ा उनका डायपर का इशू होगा। और साथ में दोस्तों बच्चे को थोड़ा सा जब वो पोटी, क्योंकि शुरुआत में वो पोटी भी बहुत करते हैं, सुसु भी बहुत करते हैं, तो ऐसे में डायपर जल्दी गंदा होगा, और अगर आप सही समय पर उसको चेंज नहीं कर पाओगे तो बच्चे के पीछे पर दाग हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों मेरी आपको यही राय है कि आप उसे लंगोट पहनाएं, या फिर आप मार्केट से लंगोट खरीद सकते हो, लंगोट आसानी से मिल जाती है, या फिर कोई घर में चादर पड़ा हो तो उसे काट करके आप बच्चे को पहना सकते हो, काट काट के छोटी छोटी लंगोट बना के पहना सकते हो। और वो लंगोट कम से कम आपको बहुत सारी बनाना पड़ेगा, और ढेर सारी आप बना के रख लो, और जैसे जैसे बच्चा सुसु पोटी करता है तो आप उसे चेंज करते जाओ। इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों, क्योंकि बच्चा जब सुसु पोटी करेगा तो वो डायपर की जगह एक लंगोट में करेगा, उस लंगोट को आप तुरंत हटा के नई वाली पहना दो, तो इससे क्या होगा, बच्चे को एयर लगती रहेगी, एयर लगेगी तो बच्चे का जो पीछे का भाग है वो अच्छा रहेगा। तो अगर आप डायपर पहनाते हो तो डायपर में सुसु पोटी वहीं पे करेगा तो वहीं पे जमा हो जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि दोस्तों बच्चों के जो पीछे का जो भाग है उसमें दाग हो सकते हैं जो बच्चे को बहुत परेशान करेंगे। और ऐसी कंडीशन में दोस्तों फिर जब बच्चे को ये चीज़ परेशान करेंगे तो फिर बाद में बच्चे आपको भी परेशान करेंगे, हो सकता है जब उनके पीछे ये दाग हो जाए तो बच्चे आप बहुत ज़्यादा रोने लगें और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है। तो आपको डायपर पहनाना ही है, और बहुत इमरजेंसी है, अगर आप कहीं जा रहे हो तब आप बच्चे को डायपर पहना सकते हो, लेकिन फिर भी मैं रेफ़र करूँगा कि अगर आप कहीं दूर जा रहे हो या आसपास कहीं जा रहे हो हॉस्पिटल वगैरह, तो आप डायपर पहना के जरूर ले जाए। अगर आप घर में बच्चे को रख रहे हैं तो डायपर को यूज़ ना करें, कोशिश करें उन्हें लंगोट में रखने की, क्योंकि जितना आप उन्हें लंगोट में रखोगे तो बच्चा का जो नीचे का जो भाग होता है पीछे का, उतना उसे हवा मिलेगी उसमें और अच्छा रहेगा वो। तो दोस्तों अभी के लिए, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा।